तो फ्रेंड्स फाइनली जियो का पेमेंट बैंक इंडिया में लॉन्च हो चुका है। आज का वीडियो में आपको मिलेगा जियो पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अल्टीमेट गाइड आपको मिलेगा। बहुत सारा यूजर को प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रही है। फ्रेंड्स इस वीडियो का हम प्रॉमिस करते हैं आप इस वीडियो देख करके जियो पेमेंट बैंक कैसे खुलना है पता लग जाएगा, कैसे खुलना है आपको डेमो लाइव दिखा दूंगा। चलिए सबसे पहले क्या करनी है, माय जियो एप्लीकेशन का करने है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने है, नहीं तो आप पहले से है तो उसका अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर देखो कुछ कुछ फ्रेंड का यहाँ पर शो हो जाए जियो पेमेंट बैंक का, लेकिन कुछ कुछ यूजर का नहीं शो हो रही है। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक लिंक, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखो जियो पेमेंट बैंक, उस लिंक को क्लिक करने के बाद ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है, अपग्रेड नाउ इसके ऊपर करना है क्लिक, जियो पेमेंट बैंक इसके ऊपर करना है क्लिक, अपग्रेड नाउ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर माय जियो एप्लीकेशन आ जाएगा। आने के बाद इसके ऊपर करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा इंडिया का नया बैंक जियो पेमेंट बैंक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट इसके ऊपर करने क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा, आप जिस नंबर पर आपको मोबाइल पर 2 सिम होगा, यहाँ पर देखो मेरा मोबाइल पर 2 सिम है, उसके लिए यहाँ पर पूछ रहा कौन सिम से आप जियो पेमेंट बैंक खोलना चाहते हो। फ्रेंड्स हम जियो जियो से ही खोलना चाहते हो तो जियो पर ऊपर कर दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो प्रोसीड वाला बटन इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद येलो वाला बटन इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा आपको मोबाइल से नंबर से एक SMS जाएगा, वो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन करेगा। उसके लिए देखो फ्रेंड्स यहां वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का SMS लोडिंग हो रहा, लोडिंग होना यहां पर देखो सक्सेसफुल हो गया। होने के बाद फ्रेंड्स यहां पर बोल रहा एक पिन जनरेट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स यहां पर SMS भी आ गया, यहां पर बोल रहा एम पिन सिलेक्ट करो, आप यहां पर एम पिन सिलेक्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स आपका जो एम पिन फर्स्ट में देगा वही एम पिन कंफर्म पिन पे आपको दोबारा देना होगा। फ्रेंड्स हम एम पिन दे दिया, एम पिन देने के बाद कोई भी एक पिन दे देगा, देने के बाद आपको मोबाइल पर फिंगरप्रिंट है तो इसको इनेबल कर दीजिए। फ्रेंड्स मेरा मोबाइल पर फिंगरप्रिंट है तो इसको इनेबल कर दिया, आपको नहीं है तो आपको इनेबल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर करना है प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक। क्लिक करने के बाद यहां पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर देखो यहां पर बोल रहा यू कैन ओनली ओपन, यू कैन ओनली ओपन योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट विथ योर जियो मनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब यहां पर बोल रहा आपको पहले जियो मनी मनी एप्लीकेशन पर आपको नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद जियो पेमेंट बैंक खोलना है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते जियो मनी एप्लीकेशन क्या है, उसके कैसे रजिस्टर करना है। चलिए प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन जियो मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद अलाउ वाला बटन पर क्लिक करना है, दोबारा अलाउ कर देना है, ओपन सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद जियो मनी एप्लीकेशन ही इसको कर देना है इनेबल। करने के बाद बैक जाना है फ्रेंड्स, यहां पर ओपन सेटिंग पर करने क्लिक। क्लिक करने के बाद परमिशन सेटिंग परमिशन मॉनिटर इसके ऊपर करने के लिए क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो परमिशन है यहाँ पर इनेबल कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर जो परमिशन। फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना है ऑल नोटिफिकेशन के अलाउ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो जो नोटिफिकेशन यहाँ पर मांग रहा सबको अलाउ कर देना है, और अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आना है आपको यहाँ पर जियो मनी एप्लीकेशन पर। फ्रेंड्स देखो जियो मनी एप्लीकेशन हम ओपन कर रहा, ओपन करने के बाद ऐसे इंटरफेस आ जाएगा परमिशन ऑफ अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो जियो मनी का एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रही है। फ्रेंड्स पर देखो यहां पर कर देना ओके, ओके करने के बाद यहां पर अलाउ कर देना है, लोकेशन को कर देना है अलाउ। आपको जो मोबाइल पर रजिस्टर करना चाहते हो उस मोबाइल पर यहां से करना है सिलेक्ट। फ्रेंड्स यहां पर देखो जो मोबाइल यहां पर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल का सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जियो 4G इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद सेंड SMS इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देख सकता जो सेंड SMS सेंड हो रहा, होने के बाद आपको जियो नंबर जियो मनी पर रजिस्टर हो जाएगा। होने के बाद कैसे बैंक खुलना है वो भी दिखा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स यहां पर SMS का प्रोसेस चल रहा, SMS यहां पर कनेक्ट हो गया। होने के बाद यहां पर बोल रहा आपको फर्स्ट नेम क्या है, आपको नाम नेम पूछ रहा है, यहां पर आपको नेम टाइप कर देना है। फ्रेंड्स यहां पर देखो हम नेम टाइप कर दे रहा, ठीक है फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड नेम नहीं है तो सेकंड आपको जो टाइटल है टाइटल दे देना है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको मेल आईडी ऑप्शनल है, ऑप्शनल आपको दे सकता नहीं भी दे सकता। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा मेल आईडी है यहाँ पर हम नहीं दूंगा, ठीक है इसको उसके बाद करना है प्रोसीड, प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछ रहा है। फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर हम शो कर दे रहा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ईयर कितना है, ईयर यहाँ पर यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है यहाँ पर आप जाके जो आपको ईयर है आप अच्छा से देख करके सिलेक्ट करो। करने के बाद यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मंथ सिलेक्ट कर ले रहा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एक यहाँ पर एक फ्रेंड्स, ठीक है जनवरी 1 जनवरी एक डे फ्रेंड्स। उसका बात करना है आपको जेंडर सिलेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ से हम फीमेल कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा नहीं है,
दूसरा क्या है उसके बाद करने हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड मांगेगा। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर पासवर्ड आप अच्छा से दे रहे हैं, कैसे पासवर्ड देना है हम आपको दिखा दे रहा है। यहाँ पर आपको पहले कैपिटल लेटर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी लेटर दे, आठ कैरेक्टर का होना चाहिए, उसके बाद एक नंबर देना है, उसके बाद कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर देना है, उसके बाद करना है डन, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है, दोबारा वो पासवर्ड देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो दोबारा हम वो पासवर्ड टाइप कर दे रहा। फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा से देखो वीडियो को, इसको बात करना है एग्री वाला बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर वाला बटन पर करना है क्लिक। यहाँ पर बोला कोई भी एक मतलब कोई भी एक डॉक्यूमेंट से आपको वेरीफाई करने का जियो पेमेंट बैंक खोलने के लिए, उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। देखिए वोटर आई कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड भी है। फ्रेंड्स आप देख सकता है यहाँ पर आपको जो आपको पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से देना है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट से फ्रेंड्स हम यहाँ से आपको पैन कार्ड दूंगा, उसके लिए पैन कार्ड पर करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। फ्रेंड्स देखो मेरा पैन कार्ड का जो नंबर यहाँ पर टाइप कर दे रहा। फ्रेंड्स इसको बाद पैन कार्ड का नंबर टाइप करने के बाद यहाँ से कॉन्फर्म पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद जियो वनी, यहाँ पर आपको कोड आएगा, ये उस कोड का करना है यहाँ पर फिलहाल। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 9168 40 इसको और करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा दूसरा यहाँ पर खुल गया, खुलने के बाद बोल रहा है सिक्योरिटी योर वॉलेट, आपको यहाँ पर जो पिन देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो हम यहाँ पर पिन टाइप कर दे रहा। करने के बाद दोबारा कॉन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जियो मनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा आप फिंगरप्रिंट दीजिए, क्योंकि हम फिंगरप्रिंट इनेबल किया था, आपको फिंगरप्रिंट दिया था तो आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पिन दिया था वो पिन हम दोबारा दे रहा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो पिन देने के बाद आपको जो जियो मनी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जियो मनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली ओपन हो गया, होने के बाद कैसे जियो पेमेंट बैंक खुलना है। जियो मनी ओपन होने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जियो पेमेंट बैंक खुलने के लिए आपको क्या करना है क्लिक। यहाँ पर जो लिंक दिया था पहले उस लिंक पर करना है क्लिक। जियो पेमेंट बैंक का जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया उसके जियो मनी एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसको इस एप्लीकेशन को करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अपग्रेड नाउ, जियो पेमेंट बैंक खुलने अपग्रेड नाउ ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। जियो पेमेंट बैंक खुलने के लिए अपग्रेड नाउ इसको ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको माय जियो एप्लीकेशन ओपन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो रीडायरेक्ट कर लेगा माय जियो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको जो इंडिया का निया बैंक जियो पेमेंट बैंक आपको रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब यहाँ पर शो हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपग्रेड टू जियो पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, इसको ऊपर करना है क्लिक। क्रिएट अकाउंट इसको ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, क्या करना है जियो पेमेंट बैंक खुलने के लिए। यहाँ पर बोलेगा आपको जो आधार नंबर, यहाँ पर आपको जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर करना है टाइप। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मेरा जो आधार नंबर है यहाँ पर कर रहा है टाइप। अब अच्छा से आपको आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर रहा है, क्योंकि ये बैंक खुल रहा उसके लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर अच्छा से देख के टाइप करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मेरा आधार नंबर टाइप कर दो, उसके बाद यहाँ पर एग्री वाला ऑप्शन पर किया करने के लिए यहाँ वाला एग्री टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद फ्रेंड्स प्रोसीड वाला बटन इसको ऊपर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आधार का नंबर देने के बाद इसको प्रोसीड वाला बटन पर करने के लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपको आधार कार्ड के जो नंबर रजिस्टर्ड है, मतलब आपको अच्छा से समझो आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी आएगा। फ्रेंड्स देखो जो मेरा आधार कार्ड पर नंबर पर ओटीपी आ गया 77 4381, आने के बाद सबमिट वाला बटन पर करने के लिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ सेकंड लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको जियो पेमेंट बैंक सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आपको अकाउंट खुलने के लिए कुछ डिटेल्स भरना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको ये ऑप्शन मेल आईडी यहाँ पर पूछ रहा है। फ्रेंड्स हम पहले मेल आईडी नहीं दिया तो, लेकिन यहाँ पर आपको मेल आईडी देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मेल आईडी है मेरा, यहाँ पर हम मेल आईडी कर देना है टाइप। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेल आईडी आपको देना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक पर मेल आईडी देगा तो आपको अच्छा होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेल आईडी है मेरा टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद दूसरा स्टेप देखो, यहाँ पर आपको करना है आपको सिलेक्ट, यहाँ पर देखो आप मिसेस है मिस्टर है, यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट। फ्रेंड्स ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जो पैन कार्ड है ये पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दोबारा टाइप कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो पैन कार्ड नंबर हम टाइप कर दे रहा। फ्रेंड्स यहाँ पर पैन कार्ड नंबर टाइप कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो यहाँ पर मैरिड स्टेटस, आपको मैरिड है अनमैरिड है इसको करना है सिलेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर मैरिड इंटर यूर पैन कार्ड नंबर, फ्रेंड्स अच्छा से आपको पैन कार्ड नंबर चेक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद प्लीज़ इंटरव्यू पैन कार्ड नंबर दे दिए, उसके बाद ये कर देने सिलेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको जो गार्जियन का नेम यहाँ पर शो हो जाएगा, होने के बाद आपको इसको जो जिसको पेमेंट में खुला उसका फादर नाम यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फादर नाम टाइप कर दिया, करने के बाद फादर्स फुल नेम टाइप करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो उसके बाद उसका मदर नेम टाइप करने है, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ पर कर देना है फिलअप अच्छे से। देखो फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट कमेंट करना, यहाँ पर कर देना है हमारा नेम फिलअप। उसके बाद आपको जो यहाँ पर देखो जो आपको क्या काम करता है उस काम करने सिलेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सेल एम्प्लॉयड है, हम कर देखो सेल एम्प्लॉयड। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको इनकम पूछ रहा है कि कितना इनकम है, कहाँ से आपको इनकम आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बिजनेस है, यहाँ पर प्रोफेशनल सैलरी है, सेविंग है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आधार कार्ड दिया। करने के बाद यहाँ पर एनुअल इनकम फ्रेंड्स यहाँ पर अब अप टू 50 के कर सकता। करने के बाद पॉसिबल वाला बटन पर करना है क्लिक। करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ इंटर ये वैलिड पैन कार्ड नंबर। फ्रेंड्स यहाँ पर पैन कार्ड नंबर गलत हो गया, इसलिए आपको अच्छे से देख करके फिलअप करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मेरा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो मेरा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। फ्रेंड्स मेरा पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हम देख कर टाइप कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। करने के बाद आपको पॉसिबल बटन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड लोडिंग लेने के बाद आपको जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर लेगा। करने के बाद पॉसिबल बटन पर करना है क्लिक। वीडियो फ्रेंड्स वीडियो का लाइक करना है, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी पूछ रहा है। फ्रेंड्स आप कोई भी नॉमिनी दे सकता नहीं भी दे सकते, यहाँ पर देखो आप नॉमिनी नहीं दे सकता तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप स्किप कर सकते फिर, ठीक है। यहाँ पर हम स्किप कर दे रहा, ये नॉमिनी नहीं दूंगा। नॉमिनी देगा तो आपको क्या करना है, आपको नॉमिनी क्या होता जो बैंक का डिटेल्स है वो ऑप्शनल देता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो नॉमिनी का नेम देना होगा, आपको रिलेशन क्या है आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। हम नहीं दूंगा उसके लिए स्किप दिस स्टेप। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको एक बार चेक कर लेना आपको जो स्टेटस है आप दिया था वो ठीक है और गलत। फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा से चेक कर लेना। चेक करने के बाद फ्रेंड्स एग्री वाले बटन पर क्लिक। क्लिक करने पर सिंपल बटन पर करने क्लिक। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कांग्रेचुलेशन यार पेमेंट बैंक इन सक्सेसफुली। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो पेमेंट बैंक है सक्सेसफुली ओपन हो गया। फ्रेंड्स वीडियो का करना लाइक सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन प्रेस करना। फ्रेंड्स SMS भी आ गई और पेमेंट बैंक कर देना ओके। कांग्रेचुलेशन आपको पेमेंट बैंक होगी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद कर देना ओके। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो जियो पेमेंट बैंक यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेंड मनी एड मनी ये सब कर सकता है, लेकिन ये फ्रेंड्स ये आपको जियो पेमेंट बैंक खुलने में 7 working days लग सकता है, ठीक है। आपको मोबाइल पर SMS आ जाएगा एक्टिवेट होने का, जियो पेमेंट बैंक एक्टिवेट होने का, मतलब एक दिन का अंदर आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और कोई भी प्रॉब्लम है तो